नमस्कार दोस्तों सी एस एस सीरीज़ के चैप्टर सेवन पॉइंट वन में आपका स्वागत है इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में सी एस एस बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो हमने चैप्टर सेवन में सी एस एस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हमने की थी अब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हम देखेंगे कि उसको कैसे लिखा जाता है सो so, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि हमने ये जो प्रॉपर्टीज़ की थी अगर आपने प्रॉपर्टीज़ नहीं देखी है तो आप चैप्टर सेवन में जाके हमारी वीडियो दोबारा एक बार प्ले करके देख सकते हैं और एक बार उन प्रॉपर्टीज़ को समझ लें ताकि ये आपको शॉर्ट हैंड ईजिली क्लियर हो जाए तो शॉर्ट हैंड लिखने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको जो याद रखनी है वो है इसका ऑर्डर ठीक है जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हमने की थी उनको एक सीक्वेंस में लिखना है आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ आप एक सीक्वेंस में देंगे तो ही आपका वो वर्क करेगा वरना वो वर्क नहीं करेगा शॉर्ट एंड जो सो so, सबसे पहले यहाँ पे हमें जो ऑर्डर में देना है अपने वो देना है कलर इमेज देन रिपीट देन अटैचमेंट देन पोजिशन ठीक है ये सारी चीज़ें आपको एक सिक्वेंस में देनी है अब जैसे यहाँ पे नीचे मैंने आपको बताया है कि सिंटेक्स जो शॉर्ट एंड का होगा वो ऐसे स्टार्ट होगा तो आपको हर एक प्रॉपर्टी के साथ उसको ये बताना जरूरी नहीं कि ये बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है या इमेज है या रिपीट है या अटैचमेंट है या पोजिशन है वो नहीं बताना आपको आपको सिर्फ बैकग्राउंड लिखना है एंड उसके बाद कोलन लगा के कोलन लगा के उसके बाद यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टीज़ यहीं पे दे देनी आपको जैसे जो सीक्वेंस था अपना इसी ऑर्डर में हमने यहाँ पे दिया है ये जस्ट आपको दिखाने के लिए अभी एग्जांपल से आपको बताया जाएगा सबसे पहले कलर आएगा फिर इमेज आएगा फिर रिपीट आएगा फिर अटैचमेंट फिर पोजिशन चलो अब इसको एक बार कोडिंग से देखते हैं तो सबसे पहले एक बार आपको एच अपना सिंटेक्स लिख लेना है पूरा टैग्स वैक्स लगा लगा लेने तो हेड के अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले तो बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे पैराग्राफ डाल देते हैं हेलो हाउ आर यू तो हमने ये पैराग्राफ अभी के लिए डाल दिया है इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे जो अपनी फाइल है वो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज डॉट एच के नाम से डेस्कटॉप पे सेव है ये देखिए लोकेशन भी दिखा रहा है एंड एडिटर मैं यूज़ कर रहा हूँ सबलाइम एडिटर अब इसको ओपन करके देखते हैं डेस्कटॉप पे जाएंगे और जो अपनी फाइल है उसे ओपन करके देखते हैं ये फाइल है तो देखिए आप यहाँ पे सेम जो हमने बॉडी के अंदर लिखा था पैराग्राफ वो चीज़ यहाँ पे दिखा रही है अब क्या करना है अब हमें इस पर शॉर्ट हैंड देना है मतलब इस बॉडी पार्ट पे जो वेब पेज है अपना जो प्रॉपर्टीज़ है शॉर्ट हैंड की वो यहाँ पे अप्लाई करनी है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज शॉर्ट हैंड की हेल्प से हम एक ही लाइन में सारा एग्जीक्यूट कर देंगे जैसे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्टाइल देना है क्योंकि हम इंटरनल सी यूज़ कर रहे हैं स्टाइल टैग देना है हेड के अंदर हेड के अंदर स्टाइल टैग देने के बाद आपको इसके अंदर आपकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है अब मान लो कि मैं बॉडी टैग पे अप्लाई करूँगा प्रॉपर्टीज़ ठीक है तो बॉडी टैग पे अप्लाई करने के लिए को समझने के लिए थोड़ा इस टाइप से लिखते हैं सो so, पहले हम हर एक प्रॉपर्टी को इस तरीके से लिख रहे थे बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड कलर के आगे फिर उसका कलर दे रहे थे है ना ये आप एक बार जो लास्ट वीडियो है चैप्टर सेवन वो देख लीजिए वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आपको बैकग्राउंड लिखना है तो इसको पता चल गया बॉडी पे क्या करना है बॉडी पे आपको बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ लगानी है अब सबसे पहली जो अपनी प्रॉपर्टी है वो कौन सी है कलर ठीक है इसी ऑर्डर में हम सारी प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे सो so, एक एक प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं अब मैंने यहाँ पे रेड कलर दिया है बैकग्राउंड में रेड कलर आया कि नहीं आया ये देखिए पूरा रेड कलर आ गया इसके बाद जो हमारी इमेज है अब हमें इसके ऊपर इमेज लगा दी है तो इमेज के लिए हमने यूज़ किया था यू और यू के अंदर अगर आपकी इमेज सेम फोल्डर में है तो उस उसमें हम डायरेक्टली इमेज का नेम और उसका एक्सटेंशन दे देंगे अभी जो हमारी फाइल लगी है है वेब पेज है वो डेस्कटॉप पे सेव है और यहाँ पे एक इमेज रखी हुई है वन नेम से और फॉर्मेट उसका पी तो इसका यहाँ पे हम नेम दे देंगे सेव करेंगे एंड अपने वेब ब्राउजर पे जाके रिफ़्रेश करके देखेंगे तो ये यह देखिए यहाँ पे जो अपनी इमेज है वो आ चुकी है एंड अपनी इमेज है वो रिपीट कर रही है क्योंकि इमेज का साइज़ है 500 बाय 500 एंड जो हमारा कंटेनर है बॉडी का वो थर्टीन हंड्रेड पिक्सल्स के अराउंड है इमेज छोटी है इसलिए कम स्पेस ले रही है उसकी वजह से बार बार रिपीट हो रही है अब हमें क्या करना है जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रिपीट तो अपनी जो इमेज रिपीट हो रही है इसको हम देखते हैं रिपीट किस किस वे में हम करा सकते हैं सो रिपीट की हमने प्रॉपर्टी की थी रिपीट एक्स फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी हमने रिपीट एक्स अगर हम रिपीट एक्स यहाँ पे डाल देते हैं तो रिपीट एक्स में क्या होगा एक्स मतलब हॉरीजोनटल हॉरीजोंटली ओनली रिपीट होगी एंड वर्टिकली जो आपको वर्टिकली दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा तो रिफ्रेश किया जो नीचे वाली लाइन थी वो गायब होगी सो so, अपने को हॉरीजोंटली दिखाई देगी वर्टिकली नहीं दिखाई देगी अगर यहीं पर हम इसको करते हैं वाई तो अब आपको हॉरिजॉन्टली दिखाई देगी वर्टिकली दिखाई नहीं देगी ठीक है अगर आप चाहते हैं कि रिपीट ना हो इमेज रिपीट ना हो तो नो no रिपीट आपको लगाना है प्रॉपर्टी और उसके बाद सेव करके इसको रिफ्रेश करोगे तो जितनी भी इमेज रिपीट हो रही थी वो सारी आपकी गायब हो जाएंगी और जो मेन इमेज होगी सिर्फ वही आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अटैचमेंट अब अटैचमेंट में क्या है अटैचमेंट है अपनी इमेज एज आ अगर आप इस बॉडी पे देखेंगे तो हमने इस पे क्या अटैच की हुई है इमेज सो so, इस इमेज की हमने दो प्रॉपर्टी की थी एक की थी स्क्रोल एक की थी फिक्स्ड तो अभी यहाँ पे हम अटैचमेंट को हम देते हैं अगर हम इसको यहाँ पे स्क्रोल करते हैं स्क्रोल एस सी आर ओ स्क्रोल करते हैं तो अब आपको ये यह देखो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये जो इमेज है ये जैसे अपना वेब पेज स्क्रोल होगा ऊपर नीचे तो ये इमेज भी उसके साथ ऊपर नीचे स्क्रोल होगी ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने यहाँ पे जो टेक्स्ट वो कम है इसको इंक्रीज करना पड़ेगा जब कंटेंट ज़्यादा होगा तभी वेब पेज स्क्रॉल होगा अगर कंटेंट ही कम होगा तो वेब पेज अपना स्क्रोल होगा ही नहीं तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं ठीक है कॉपी कर लिया काफ़ी सारा कंटेंट डाल दिया इस पर पे पैराग्राफ वही है कॉपी पेस्ट कर दिया ये देखो मैंने कॉपी पेस्ट किया और ये देखिए राइट साइड में यहाँ पे स्क्रोलर आ गया स्क्रोलर आने की वजह से कंटेंट अपना ज़्यादा था नीचे तक जा रहा था तो ये स्क्रोलर यहाँ पे दिखाई दे रहा आपको आपने ये चीज़ नोटिस की है कि जब मैंने इसको नीचे स्क्रोल किया है तो यहाँ पे ये जो अपनी इमेज हमने स्क्रोल पे लगाई थी वो भी साथ में स्क्रोलर के जब हम स्लाइड कर रहे हैं ये भी ऊपर नीचे जा रही है तो स्क्रोल से ये होगा अगर आप इसको फिक्स कर देंगे तो ये इमेज यहीं पर फिक्स हो जाएगी चाहे आप स्क्रोलिंग ऊपर नीचे करते रहें तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आपका कंटेंट सिर्फ ऊपर नीचे जाएगा स्लाइड अप डाउन जाएगा पर इमेज आपकी फ़िक्स हो जाएगी वहीं पे अभी आपको दिखाता हूँ करके ये देखिए यहाँ पे स्क्रॉल हटा के फिक्स कर दिया है और अब मैंने रिफ्रेश कर दिया अब इसको अगर स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप देखोगे कि आपके कंटेंट है जो बॉडी का पैराग्राफ है वो ऊपर नीचे जा रहे हैं बट जो आपकी इमेज है वो वहीं पे है ठीक है तो इस इससे ये होगा तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है अब जो अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है पोजिशन सो पोजिशन में हमने की थी तो ये आपका वेब पेज है चार इसके एंडिंग्स हैं स्क्रीन की लेफ्ट राइट अप एंड डाउन ठीक है तो पोजीशन यही होती है या तो लेफ़्ट पोजीशन होगी या राइट होगी या तो टॉप पोजीशन होगी या बॉटम होगी तो अगर यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन दे देता हूँ राइट right, और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये चला गया राइट right साइड में तो ये राइट right साइड में चली गई एंड अगर हम इसको कर दें सेंटर आप लेफ़्ट भी कर सकते हैं सेंटर भी कर सकते हैं इसको कर दिया मैंने सेंटर सेंटर में आ गई इमेज फिक्स्ड है तो ये यहीं पर रहेगी अगर इसको आप स्क्रॉल कर दोगे तो ये इमेज भी ये देखिए इमेज भी स्क्रॉल होगी बट ये जितना कंटेंट है वेब पेज पे उसके सेंटर में जा के चिपक जाएगी ठीक है फिक्स कर देता हूँ ताकि आपको साथ के साथ समझ आता रहे तो ये प्रॉपर्टी है आप कर सकते हैं यहाँ से टॉप टॉप राइट में अगर आपको चाहिए तो टॉप राइट कर दो तो ये टॉप राइट में चली जाएगी ये देखिए फिक्स हो गया तो इस टाइप से यहाँ पे आप बॉटम राइट भी कर सकते हैं ठीक है बॉटम राइट अब ये यहीं पे फिक्स हो गई है बॉटम राइट right. जितना आपको वेब पेज दिखाई दे रहा है उस पर ठीक है आप ये देखिए अगर आप अपनी स्क्रीन को साइज रिसाइज भी करेंगे तो भी ये यहीं पे आपको दिखाई देगी बॉटम राइट right में एंड आप अगर इसको स्क्रॉल कर देंगे तो जहाँ पे आपका कंटेंट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे चली जाएगी ये देखिए अभी आपका जो कंटेंट वो लास्ट में एंड हो रहा है लास्ट की एंडिंग यही है ठीक है ये देखिए मतलब स्क्रॉल जहाँ पे स्क्रॉलिंग ख़त्म होगी वो इसकी राइट बोटम है आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर है अगर शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी समझ आ गई है बट आपको ये वाली प्रॉपर्टीज़ अभी थोड़ा और समझना है तो आप चैप्टर सेवन में बैक में जाके ये सारी प्रॉपर्टीज़ कवर कर सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है हिंदी में बताया हुआ है इस सी एस एस के फुल कोर्स में मैंने एक एक वीडियो बच्चों जैसे समझाई हुई है आप वहाँ से जाके कवर कर ले, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ ले, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आने वाली वीडियो पे आप फॉलो हो जाए नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दीजिए